नमस्कार, स्पोर्ट्स की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते विस्तार से। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को एशिया कप के सुपर फोर मुकाबले में 7 विकेट से मात दे दी है। ग्रुप मुकाबलों में हांगकांग और पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद भारत ने बांग्लादेश को हराकर मौजूदा टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाई है। सर्रे के नए बल्लेबाज रोरे बर्न्स को श्रीलंका दौरे पर जाने वाली इंग्लैंड टीम में दिग्गज बल्लेबाज एलिस्टर कुक की जगह 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। इस दौरे पर इंग्लैंड को 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिलने से निराश स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ मुलाकात की और कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनके मामले पर विचार किया जाएगा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और अंडर 19 और इंडिया ए टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने एशिया कप 2018 में शानदार प्रदर्शन कर रही अफगानिस्तान टीम की तारीफ की। राहुल ने कहा कि अफगानिस्तान ने अपने आप को साबित किया है। एशिया कप में शुक्रवार को खेले गए सुपर फोर के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 49 ओवर में 7 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। जेनावन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्क के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।